नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। सिवान में बुधवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना सिवान मेला रोड के तिगरा पंगरा गांव की है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले निवासी अधिवक्ता सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के पुत्र रंजन कुमार श्रीवास्तव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रंजन नेशनल इंडिया कंपनी में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम करता था। बुधवार को वो अपने भाई अभिषेक कुमार को श्रीवास्तव को साथ बाइक से मैरवा लेकर जा रहा था। रास्ते में तितरा बंगरा के पास दो पिकअप चालकों ने ओवरटेक करने के दौरान उसे धक्का मार दिया, जिससे रंजन गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके भाई अभिषेक को मामूली रूप से चोट लगी है। घटना के बाद घायल रंजन को मैरवा रेफर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सिकुदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन मैरवा से सिवान आते आते रास्ते में ही मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों की टीम ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। और आज की जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना ये मात्र दुर्घटना है, क्योंकि एक ही मोटरसाइकिल को दो पिकअप वालों ने दो विरोधी साइड से मारा और बीच में लड़का दब के लग गया। तो मैं सहमत हूँ कि इसमें अनुशंसा की राशि उनको प्राप्त होनी चाहिए। और परिवार ऐसा है, इस परिवार में दो तीन मृत्यु एक वर्ष के अंदर हो गई है। ऐसी स्थिति में मेरी मांग है कि उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। दोषियों के लिए तो नियम है, पहले तो ये निश्चित करना है कि वो कौन से व्हीकिल हैं जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया है, और पुलिस को भी मुस्तैदी दिखानी चाहिए, क्योंकि एक 28-30 साल का एम्प्लॉय कार्यरत लड़के का ये दुर्घटना हुई। पांडे रामेश्वरी प्रसाद, अधिवक्ता, अध्यक्ष।